दोस्तों ऐसे क्वेश्चन था, कम्युनिस्ट था मेरे पास आया था, जो भी बोल रहे हैं कि क्या कॉपीराइट क्लेम, और अगर वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम है या फिर स्ट्राइक अगर आ गई है तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर वीडियो पे क्लेम है तो क्या वो मोनेटाइजेशन एनेबल होगा या नहीं होगा, तो इस चीज़ में बात करने जा रहा हूँ मैं डिटेल्स में, एक्चुअली क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आपको न्यू वीडियो के अपडेट मिलता रहे। तो वीडियो शुरू करता हूँ मैं। बात ये थी कि कॉपीराइट क्लेम, जो कॉपीराइट क्लेम होता है किसी भी वीडियो पे आती है तो उसका मोनेटाइजेशन एनेबल हो जाएगा, और अगर आपकी स्ट्राइक आती है तो वो तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाज़ होता क्या है, वो आपकी स्ट्राइक है, ठीक है। हाँ, अगर स्ट्राइक वो एनेबल हो, मोनेटाइजेशन एनेबल होने के बाद वो स्ट्राइक आती है तो आपको तीन चीज़ के आपके कॉपी क्लेम करता है, ठीक है, उसके बाद आपका डिलीट कर देता है। लेकिन मोनेटाइजेशन एनेबल होने के बाद आप क्या, उसके पहले अगर यहाँ पे कुछ भी वो होता है ब्लैक लिस्टेड में, अगर कुछ भी वहाँ पे होता है आपका कॉपीराइट क्लेम है या फिर गाइडलाइंस, जो कम्युनिटी गाइडलाइन क्लेम होता है, ये चीज़ अगर वो क्लेम से हट के अगर फिर वो आता है उस पर स्ट्राइक पे, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। दिक्कत इस मीन कि आपको बिल्कुल ही वहाँ पे एनेबल नहीं होगा। बात होती है, मैंने मेरे पास भी कल एक मेल आया था, मैंने पूछा था एज अ रिक्वेस्ट से, तो उन्होंने सारा डिटेल्स में वहाँ दिया, उसके प्राइमेसेस में मैंने पढ़ा, तो वहाँ पे इस तरीके से आया कि एंड कॉपी राइट जो होती है क्लेम, वो तो एक अलग चीज़ होती है, वो ओनर के हिसाब से, मतलब ओनर अगर चाहता है आपके क्लेम कर सकता है, क्लेम करने के बाद आपको वो स्ट्राइक दे सकता है, ठीक है, वो 1 महीने तक होता है। तो उस वीडियो को अच्छा ही होगा, क्योंकि वो उसको आप तुरंत डिलीट कर देंगे, या फिर उसकी जो वीडियो की अर्निंग होगा वो डायरेक्टली आपको उस कॉपीराइट जो क्लेम होगा, जो ओनर होगा उसका, वो क्रेडिट जितनी भी होगी उसको जाएगी। इट्स मीन जो भी एडसेंस सर, जो भी इनकम होती है ना व्यूज़ का, या फिर किसी का भी ले लो उस वीडियो का, वो उनको डायरेक्ट जाएगी, आपका कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा। इससे अच्छा ही है वो वीडियो को आप डिलीट कर दीजिए, ना भी डिलीट करिए, उनसे आप बात करके आप कॉपीराइट क्लेम हटवा भी सकते हैं, या फिर उसको डिलीट कर दो, सबसे ही अच्छा होगा आपके लिए। तो ये थी इसमें इतना डिफरेंस, बस इसी वीडियो में इतना ही से बताने वाला था मैं कि कॉपीराइट क्लेम में और कॉपीराइट जो स्ट्राइक होती है उसमें क्या फ़र्क होता है। इसमें बहुत फ़र्क होता है, क्लेम से कोई फ़र्क नहीं होता, आपका मोनेटाइजेशन एनेबल होगा या नहीं होगा, ये होगा, फिर से बोल रहा हूँ मैं। और स्ट्राइक तो एक अलग चीज़ होगी, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है ये चीज़, तो इससे चीज़ हमें बचना चाहिए आराम से। तो अभी के लिए वीडियो मैं बंद करता हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस है, या कि कॉपीराइट क्लेम्स का, या फिर कोई और भी चीज़ों का, तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।